निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं और 80 साल के ऊपर के मतदाताओं को घर बैठे पोस्टल बैलेट के मतदान कराने की सुविधा दी गई है। इसके लिए फॉर्म 12D भरवाने के लिए दिया जाता है। जांजगीर जिले में ऐसे 3,181 बुजुर्ग मतदाताओं को चिन्हांकित किया गया है। इसमें से 137 मतदाताओं ने घर से मतदान की सहमति दी है, बाकी मतदाताओं ने बूथ पर जाकर मतदान करने की इच्छा जताई। मतदान दल अकलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मुरलीडी पहुंचे और इस तरह बुजुर्ग राममती जोगी जिले की पहली मतदाता बनी। घर बैठे मतदान कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए मतदान भी आम मतदान की तिथि से एक सप्ताह पूर्व ही कराया जा रहा है। अकलतरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 33 के ग्राम पंचायत मुरलीडी में बुजुर्ग रामबती जोगी मतदान करके जांजगीर जिले की पहली मतदाता बनी। जिला निर्वाचन की पहल पर मतदान दल घर घर पहुंचकर मतदान कराने लगातार प्रयास कर रहे हैं। जांजगीर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों से घर पहुंच मतदान की सुविधा के लिए 137 मतदाताओं ने सहमति दी है, जबकि बाकी मतदाताओं ने बूथ पर जाके अपने मतदान करने की इच्छा जताई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार अकलतरा विधानसभा क्रमांक 33 के ग्राम किलाई मुरली कोठी सोनार ने 80+ एवं PW मतदाता हेतु मतदान दल गठित कर पोस्टल बैलेट के द्वारा होम वोटिंग की आज व्यवस्था की गई, जिसके तहत पांचों जगह सुगमतापूर्वक 80+ MPW मतदाताओं द्वारा वोटिंग किया गया है। आज जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 33 अकलतरा के ग्राम मुरलीडी में 193 भाग संख्या के अंतर्गत प्रथम डाक मतपत्र के माध्यम से सफल मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने 80 साल के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं को बूथ पर लाइन में न खड़ा होना पड़े, इसके लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए उन्हें घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा दी गई है। BLO द्वारा ऐसे वोटरों की सूची भी तैयार कर ली गई है। जांजगीर जिले में 4,937 दिव्यांग मतदाता और 80 साल की उम्र की सीमा पार करने वाले मतदाताओं की संख्या 7,381 है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़, रायपुर।